Mr. Lal Singh Vadaudia. Mananiya Upadhyaksh ji, peene ka paani aur sinchai ka paani dono ki jo zarurat hai uske hisab se aaj ki tarikh mein kami pad rahi hai. 1951 mein jo per person paani ki uplabdhata thi uske hisab se 1920 mein ye uplabdhata sirf 25% reh jayegi. Agar ye baat aaj se hum jaise pehle bhi kai sarkaron mein jo vinodtapurvak public ko kaha gaya aur wo kaam पब्लिक ने स्वीकार के किया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम का भोजन छोड़ दो, तो लोगों ने छोड़ दिया था. हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि संपन्न लोग एक बॉटल की सब्सिडी छोड़ दे, तो छोड़ दिया था. ऐसे गजेंद्र सिंह बापू को मेरा विनती है कि पूरे देश के जल की सुरक्षा के लिए हर एक गाँव में चार भागों में चार तालाब होने चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी गिरे वो तालाबों में इकट्ठा हो तो वाटर टेबल बढ़ जाए. हर एक घर की छत पे जो बारिश का पानी गिरता है उसको कलेक्ट करके अंडरग्राउंड टैंक में रखना चाहिए. मैंने आज ही एक व्हाट्सएप पे देखा था कि अगर 100 स्क्वायर फीट का आपका छत हो और उसमें करीब 100 सेंटीमीटर माने 40 इंच की बारिश होती है, तो 1,00,000 लीटर पानी वो छत से आपके बनाए हुए टैंक में रिजर्व कर सकते हैं और एक 5 आदमी के कुटुंब को पीने के लिए एक साल में 10,000 लीटर पानी की ज़रूरत रहती है. तो वो 1,00,000 लीटर से 10 फैमिली का पानी पीने की अंजाम हो जाएगा. 100 साल पहले भी हमारे गुजरात में जो संपन्न लोग थे वो अपने घर में ही एक स्टोरेज टैंक उस समय में भी बनाते थे और बारिश का पानी इसमें स्टोर करते थे, तो अकाल में भी इनके घर से किसी को कुएं पे पानी भरने जाने नहीं पड़ता था. जब 1995 में हमारे गुजरात में केशुभाई पटेल की बीजेपी की सरकार बनी तो कल्पसर योजना का एक प्लानिंग हुआ था, जो खंभात के अखात में एक वॉल बना के गुजरात की जो नदियां है उसका मीठा पानी स्टोर किया जाए और करीब पूरे गुजरात का मीठा पानी पीने का और सिंचाई का इससे मिला जाए, उसका सर्वे भी हो चुका है. तो माननीय गजेंद्र सिंह जी, मेरी विनती है कि इसके बारे में आगे काम हो, ऐसा कुछ कार्यवाही करे और कल्पसर्व योजना का जो काम है वो आगे बढ़ाया जाए. इज़राइल में सिर्फ 3 या 4 सेंटीमीटर की बारिश होती है तो भी माइक्रो इरिगेशन, ड्रॉप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के हिसाब से वो किसानों को खेती के लिए गाइडलाइन देते हैं, तो वहाँ का भी गाइडलाइन का हेल्प लेके हमारे यहाँ कम पानी से सिंचाई करके खेतीबाड़ी की जाए, ऐसी भी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.